जलंधर के गुरु तेग बहादुर नगर च सवेर होंदे हुए एक कोठी नूं भयानक अग लगण दा मामला सामने आया। अग फैलण दे नाल रसोई च पिया सिलंडर ब्लास्ट हो गया, जिस कारण घर का काफ़ी नुकसान हो गया। कोठी मालिक ने दसिया कि दमकल विभाग दी गड्डियां मौके ते नहीं पहुँच पाईया, जिस नाल उन्हां दा काफ़ी नुकसान हो गया। की होया विजय कुमार? सवेरे 6 बजे किचन नजर आया जी, असीं सारे फिर बाहर उपरों की छत तो बाहर आ गए जी, नाल दे घरदियां तो। ठीक है जी। उस तो बाद अग फैल गई, फायर ब्रिगेड लेट तां होई है, रस्ते कारां बहुत खड़ियां सी जी, फायर ब्रिगेड नूं अगे आंदा टाइम ही नहीं मिलदा पिया सी। इहदे च इक सबक हैगा कारपोरेशन वास्ते कि फायर ब्रिगेडां नूं ना कंपैक्ट किया जाए, क्योंकि महल्ले टाइट हो गए ने, गड्डियां बहुत ने लोगों के घरां च, मेन इन्ने GTB नगर च नहीं फायर ब्रिगेड टाइम सिर पहुँच सकती। फायर ब्रिगेडा बारे दोबारा सोचा जाए कि इन्हों कंपैक्ट किया जाए ताकि फटाफट पहुँच जाए। ब्लास्ट भी हो जी? हाँ, ब्लास्ट होया ना, सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर इतने पिया। किन्ने परिवार के मैंबर से अंदर छोटे मैंबर? मैं पहले बाहर लाया। किन्ने जने सी? दो बेटे है, दो पोता पोती है, सारे हसबेंड वाइफ, टोटल 7 जने सी। SHO सुरजीत सिंह ने दसिया कि उन्होंने कंट्रोल रूम तो फोन आया सी कि गुरु तेग बहादुर नगर च कोठी नंबर 223 नूं अग लग गई है, ते उह तुरंत घटना स्थान ते पहुंच गया ते दमकल विभाग दीआं गड्डियां नूं बुला के अग बचाउण च जुट गए। कंट्रोल रूम तो मैसेज आया वी कोठी नंबर 223 अग नेड़े माता गुजरी पार्क अग लगी, जो असीं सारे मौके ते पहुंचे पुलिस पार्टी दे नाल। जो पता लगा वी विजय कुमार सानू लक्ष्मी नारायण जी उन्हें घर में नवी कोई रिपेयर हो रही बिजली दारा भी जो होर भी लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो बिजली सर्किट कारण अग लगी है। जो सारिया फायर ब्रिगेड गड्डियां मौके पर बुला के जो कंट्रोल किया, कारण यह हो तारा का कोई बिजली सर्किट कारण ही होया। कोई जानी नुकसान? कोई बिल्कुल ठीक ठाक है, जो बच्चे नाल अपने मैंबर टोटल 5 सारे घर तो बाहर आ गए, बैक साइड से कोई सारी मतलब कंट्रोल कर लिया, फायर ब्रिगेड काफ़ी गड्डिया आ गई, ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਾਂਤ, ਸ਼ਿਕਰ ਪਤਨ, ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਜ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਵਰਮਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ, ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਪਟਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ। ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ, ਤਾਕਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ। ਵਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਫਗਵਾੜਾ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 98144-6471, 98150-6471।